सेटविन की तरफ से नौजवानों में नौकरियों और गवर्नमेंट की फलाई स्कीमों के बारे में शोर बेदारी मुहिम को शुरू किया गया। सेटविन चेयरमैन मीर इनायत अली बाखरी ने रियल चैनल से जुमेरात के दिन बात करते हुए बोले, नौजवानों में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए एक नई स्कीम शुरू करें। इन्होंने ये बोले कि मुसलमानों को गवर्नमेंट लेवल से जो फायदे पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल रहे। कई को बोले तो मुसलमान नौजवानों को इन स्कीमों के बारे में नॉलेज नहीं रहती। इन्होंने बोले, नौजवानों को मालूम नहीं होने की वजह से वो बीच के लोगों से रुजू होते और इस तरह धोखादही का शिकार बनते और नुकसान उठाते। इन्होंने बोले, ये नई स्कीम के जरिए सुबह से शाम तक प्रोग्राम चलाएंगे। इसमें बताया जाएगा कि नौजवान अपने बल बूते पे क्या कर सकता है। इन्होंने बोले, इस बारे में मालूमात हासिल करने के वास्ते हैदराबाद टेक्निकल कॉलेज दारुशफा से रुजू हो सकते या फिर 9014114011 या 9392140185 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चेयरमैन सेटविन और हैदराबाद टेक्निकल कॉलेज चेयरमैन की हैसियत से मैं मीर इनायत अली बाखरी, मैं तमाम यूथ महिला और ख़ास तौर पे हमारे यूथ नौजवानों के लिए ये इतला देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस अमॉन्ग द यूथ के लिए एक प्रोग्राम शुरू करे हैं। सरकारी सतह के ऊपर खुसूसन जो बेनिफिट्स सरकार से मिलना चाहिए, खुसूसन पुराने शहर के नौजवान मर्द ख़वातीन में ये बात आम पाई जा रही है कि इनका कहना ये है कि मिनार्डी फाइनेंस कॉरपोरेशन का लोन और बैंक का लोन, डबल बेडरूम फ्लैट या सरकार से मिलने वाली स्कीमों के तहत के ऊपर इनमें कम अवेयरनेस पाया जाता है। नौजवानों को अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा उठाना चाहिए, ये हमारा मानना है और यही सच है। और साथ ही नौजवानों को, मर्द ख़वातीन को अपनी काबिलियत को उजागर करने के लिए सरकारी सतह के पर मिलने वाली सहूलतें से इस्तेफादा उठाना लाजिम ज़रूरी है, मगर उन्हें मालूमात का फुकदान होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से ये नौजवान भटकावे में और ख़ास तौर पर धोखादेही में ज़्यादा मलूस हो रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी, कोई किसी ने कह दिया नौकरी दिलाता हूँ उसके पीछे रह गए, और किसी ने कह दिया कि मैं लोन दिलाता हूँ उसके लिए पड़ गए, किसी ने कह दिया कि आप ये इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए आपको फ़ायदा होगा। ये तमाम चीज़ों पर अदम मालूमात की वजह से लोगों की बातों में आकर काफ़ी नौजवान मर्द व ख़वातीन परेशान हाली में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप से बेजार आकर। कई तो वक्त तो ऐसा होता है कि नौजवान अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट पे, अपनी रोज़गार के तहत पर, अपनी मजबूरियों के तहत पर जो पैसा खर्चे में लाकर लगाए हैं वो अंदर हो जाने पर जहर खाने की नौबत है और कई नौजवान खुदकशी भी कर चुके हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि इन नौजवानों में नई जोश खरोश के साथ एक नया प्रोग्राम चालू करें, तो इसके लिए सवेरे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें मर्द व ख़वातीन को इस बात की सहूलत से आरास्ता किया जाएगा कि आप अपनी बलबूते पर अपने रोज़गार के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार की स्कीमों का इस्तेफादा किस तरह किया जा सकता है। और सरकार मिनार्डी फाइनेंस कॉरपोरेशन सिर्फ एक ख़तरा है जो सरकार की तरफ से मिलता है। आप खतरे को देखकर आप खुश है, आप समंदर में तैरना नहीं चाहते। सरकार जो देती है तो ऐसे 22 इदारे हैं जहां से सरकार स्कीमें देती है, सरकार जहां पर रोज़गार के मौके फराहम करती है। ये 22 इदारे कौन से हैं, किस तरह से इनसे रोज़गार हासिल किया जा सकता है, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, आप नौकर नहीं आप मालिक बन सकते हैं, आपके पास 4 नौकर रह सकते हैं, आपके हाथ के नीचे 15 आदमी काम कर सकते हैं, तो आपको चाहिए इन स्कीमों से इस्तेफादा उठाए। ये स्कीम कब शुरू की जाएगी? हम ये महीने की, हमारा इरादा ये है कि 10 तारीख के बाद हमारा पहला सेशन होगा। हर सेशन के अंदर मर्द और ख़वातीन का 20 आदमी का एक ग्रुप होगा। एक महल्ले से हम पहली एक महल्ले से सिर्फ 20 मर्द या 20 ख़वातीन का एक ग्रुप लेंगे, इन्हीं के साथ ये स्कीम हम चालू करेंगे और इनको ये बताया जाएगा कि सरकारी स्कीमें प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर आप किस तरह से इस्तेफादा उठा सकते हैं, लाखों रुपए किस तरह से कमा सकते हैं। इससे इस पर कुछ सरमाया लगाना पड़ेगा? आप, ये डिपेंडेंट ऑन यू है, आप सरमाया लगाने वाला, बगैर सरमाया वाला काम कर सकता है, सरमाया लगाने वाला काम कर सकता है और वहाँ नौकरी के लिवाल के ऊपर जॉब कहीं कर सकता है। ये तमाम चीज़ों की उनमें बोनस दी जाएगी, जो जिस सतह का आदमी है उस सतह से उनसे काम लिया जाएगा, यही हमारा प्लान है। वो प्लान के लिए हमने भी कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को बात किया है,
जो इन तमाम चीज़ों की आज से सहूलतें बख्श रहेंगे और इनके लिए काम करने की सहूलत दी जाएगी। ख़वातीन को ख़वातीन के साथ किस तरह काम किया जा सकता है, घरेलू ख़वातीन के साथ आप काम कर सकते हैं, उसके लिए भी स्कीमों का एक नया प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसके लिए फुल डे का सेशन ख़वातीन को साथ लेकर और हमारे जो एक्सपर्ट ख़वातीन हैं उनसे बात करवा कर उन्हें मुहैया किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आने वाले दौर में चाइना की तरह आप भी अपने घर बैठे इतनी कमाई कमा सकते हैं कि दुनिया के नंबर वन मुमालिक में आपका नाम हासिल आ सकता है। उसके लिए हमारे पास दिमाग है, मेहनत करने का जज्बा है, सिर्फ हमारे पास मालूमात का फुकदान है। मालूमात हमारे पास नहीं होने की वजह से हम काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मालूमात का जो ख़जाना है वो आपके सामने हम लुटाना चाहते हैं। यही हम मर्द और ख़वातीन जो यूथ है खुसूसन उनसे कहेंगे बेरोज़गार से कि आप इस सेशन में आए और अपने हुकूक को हासिल करने में कामयाब। कहाँ पर आना पड़ेगा बाखरी साहब? हम ये सेशन सिटीज़ के बाहर मनखद करने जा रहे हैं। हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ये नौजवान कोई दूसरी जिस तरह यहाँ पर शहर के अंदर किसी भी होटल किसी भी जगह पे हम करते हैं तो दिमाग उनका तितर-बितर होता है, वो सीख नहीं सकते। इसीलिए हम सेशन कम्प्लीट कर रहे हैं। उनके लिए उनको चाहिए कि हमारे ख़ास तौर पर आपको फ़ोन नंबर मुहैया किया जाएंगे, इसी चैनल के ज़रिए आपको इत्तला दी जाएगी कि आप लोग बराए मेहरबानी 10 तारीख से हम वो ग्रुप्स का बनाना चालू कर रहे हैं। 10 तारीख तक आपको दोबारा इंटरव्यू में फ़ोन नंबर्स के साथ हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ आपको नाम दिया जाएगा। आप सिर्फ तैयार रहिए, अपने एक आधार कार्ड, दो फ़ोटो, अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम चीज़ों का आप जब तक अपने रेडी कर लीजिए। ख़ास बात तो ये है, नौजवानों से मेरी अपील है कि अपने आईडीज, जो आपके पास 5 IDs होते हैं हर इंसान के पास, ये 5 IDs में नाम रद्दो बदल, सर्टिफिकेटों में नाम रद्दो बदल अगर है तो फौरी उसको आप सही कर लीजिए, यही हमारा कहना है।